सिद्धार्थनगर पुलिस प्रशासन में दिखी दरियादिली, गरीब असहाय परिवार में बांटी खाद्य सामग्री। सिद्धार्थनगर जिलाधिकारी दीपक मीणा, पुलिस अधीक्षक विजय ढुल के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी दिलीप कुमार सिंह के नेतृत्व में सदर थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह, मैं पुलिस बल जयप्रकाश दुबे, एसआई राकेश त्रिपाठी, एसआई विश्वमोहन राय, कांस्टेबल अभय प्रताप यादव, कांस्टेबल फैज खान, कांस्टेबल संतोष यादव, चालक ब्रह्मदेव यादव, ताकि शायद कोरोना वायरस महामारी को लेकर जहां पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका है और बाहर से आने वाले या दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों के ऊपर रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है और कोरोना का ग्रहण लग गया है, बच्चों के मुंह के निवाले छिन गए। ऐसे में आज निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं NH 233 पर बन रहे पुल का काम कर रहे मजदूरों में राशन एवं आवश्यक सामग्री पुलिस प्रशासन द्वारा बांटी जा रही है। राशन व आवश्यक सामग्री पाकर मजदूरों के चेहरे खिल उठे हैं और उन्हें भोजन की परेशानियों से बचाया जा रहा है। फिलहाल सिद्धार्थनगर पुलिस की दरियादिली देखकर जनता उसे सराह रही है। वहीं सदर थाना अध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह ने कहा है कि मजदूरों के खाने की व्यवस्था आमजन मानस में सहयोग के रूप में करता रहूंगा और इनके खाने पीने की कमी नहीं होने दी जाएगी। उस अंजन से सामान बांट रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। लोग यहाँ की जनता जो है वो बहुत मदद है। इसलिए मैं कल भी आया था बांटने के लिए, आज भी आया हूँ, अभी दो घंटे बाद लेके आ रहा हूँ। ज्यादा अब तक कितने मजदूरों को आपने बांटा? परसों को मैंने 70 लोगों को दिया था, आज भी 12 परिवारों को गलसड में दिया हूँ। कल इन लोगों को लंच पैकेट दिया था और आज भी दिया हूँ इनको। इसके बाद अभी शाम 2-3 घंटे के बाद इनको ये चावल, ये आटा अलग बोरी में, चावल आलू प्याज में ले आकर के सब दे दूंगा। आप लोग ये लोग बांट के अपना खा लेंगे। सर क्या लगता है कि आपके रहते ये भूखो नहीं रहेंगे? भूखो नहीं रहने देंगे, हमारा जहाँ तक प्रयास है भूखो नहीं रहने, जन सहयोग से जैसे भी होगा इनको भूखो नहीं रहने देंगे। धन्यवाद सर।